मैं आस्था जैन लाई हूँ वो तमाम खबरें जो आपको देखना और जानना जरूरी है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ तेज न्यूज, खबरें सबसे पहले। भारतीय जनता पार्टी। मेरा नाम चेतन यादव है, मैं यहाँ नेपानगर का स्थायी निवासी हूँ। चेतन, क्या किस तरह से देखते हैं चुनाव को? इस चुनाव के दौरान हम अपने चुनावी जो मुद्दे हैं उसको लेकर उभरे हैं, क्योंकि युवा आज आगे आया और युवा जागृत भी है, क्योंकि हर समय नेपानगर में चुनाव होते हैं और रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा पे को बात करते राजनेता, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आज नेपानगर में 5 साल से नेपा मिल बंद है, जहाँ ना मजदूरों को रोजगार है ना युवाओं को रोजगार है, आज युवा बेरोजगार है। और इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में आज एक भी सिविल सर्जन हॉस्पिटल नहीं। आज जब शिक्षा की बात करें तो गरीबों के लिए एक सारा नेपानगर उत्तर माध्यमिक शाला वो आज बंद हो चुकी है। तो जब मूल मुद्दे और मूलभूत सुविधा से पूरा विधानसभा क्षेत्र वंचित है, तो इस समय युवाओं के लिए इन मुद्दों पर लड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए युवा जाग है। जी सर, किस तरह से क्या सोच के मतदान करेंगे इस बार? युवा जागृत है और जो विकास की बात करेंगे युवा उसी को वोट देगा, क्योंकि राजनीति बार भी तो विकास के नाम पे वोट किए थे ना। विकास क्या, विकास को क्या मानते हैं? क्या विकास के अवधारणा जो नगर की मूलभूत सुविधा है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, वो लोगों की पूर्ति हो सके, यही विकास की मुख्य अवधारणा होती है। कैसे कैसे आप लोग करवाएंगे कि आपकी बात माने तो बीजेपी कांग्रेस फिर से मैदान में, वो तीसरा विकल्प आपके पास है नहीं। एक बार आपने बीजेपी को चुन लिया, एक बार कांग्रेस को चुन लिया, तो आप क्या स्टैंड रहेगा आपका? अब युवाओं का एक मांग पत्र बनेगा और इस बार युवा जागृत है और नगर की जनता से भी हमारा निवेदन है कि वे अपने प्रत्याशी से पूछे कि आज तक विकास के नाम पर नगर में क्या हुआ है। और हमारा प्रत्येक प्रत्याशी मतदाता, हम निश्चित रूप से एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं इसके लिए। भारतीय जनता, जब ये राजनेता वोट मांगने के लिए हमारे नगर में बोलो या घर तक आएंगे, उस मांग पत्र में हम उनसे लिखवा लेंगे पहले कि भैया हमको वोट डालने से पहले आपको जिता रहे हैं हम, तो हमको इस पे साइन करके दो। पता क्या यूथ सोचता है जो चुनाव हो रहा है इसमें? ये चुनाव जो उपचुनाव नेपानगर में हो रहा है, ये युवा वर्ग जो हम लोग इसको अवसर मान रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि क्या है हर बार पार्टियाँ चुनाव लड़ती है, जीतती है, इसके बाद गायब हो जाती है। युवाओं को रोजगार के लिए मतलब कोई भी पार्टी, हर पार्टी की सरकार नेपानगर में, मतलब MP में हर पार्टी सरकारें बनी हुई है, मगर ये रोजगार ना दे पा रही है। आज तक किसी पार्टी ने रोजगार नहीं दिया हम लोगों को, है ना। इसलिए ये हमारे लिए अवसर है। हम सोच रहे हैं कि इस बार रोजगार की मांग रखेंगे सरकार से, रोजगार की और आवास योजना की मांग रखेंगे, क्योंकि नेपानगर में हम 50 साल से रह रहे हैं और 50 साल के अंदर अभी तक हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और हमको ना ही स्थायी पट्टी मिल पाया है। तो हम ये पट्टों की मांग रख रहे हैं, रोजगार की मांग रख रहे हैं, सड़क निर्माण के लिए मांग रख रहे हैं और किसानों की मंडी, उपज मंडी, क्योंकि नेपानगर में किसान उपज मंडी भी नहीं है जिसकी आवश्यकता कई सालों से है। और अभी भी घोषणा पत्र मैंने पढ़ा, उसमें ये मुद्दा दिया है। मांगे अगर नहीं पूरी होती तो फिर क्या होगा? इसकी मांगे क्या है, जैसे हर पार्टी का एक घोषणा पत्र होता है, हम युवाओं का भी एक मांग पत्र हम तैयार कर रहे हैं। इस मांग पत्र पर जब ये राजनेता वोट मांगने के लिए हमारे नगर में बोलो या घर तक आएंगे, उस मांग पत्र में हम उनसे लिखवा लेंगे पहले कि भैया हमको वोट डालने से पहले आपको जिता रहे हैं हम, तो हमको इस पे साइन करके दो। और जो जितने कार्यकर्ता आएंगे वो सब साइन करेंगे उसके ऊपर। कितने यूथ वोटर हैं इस बार? इस बार नेपानगर से 185,000 की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।